हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास टू में हम 134 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब चलते हैं उससे आगे। सबसे पहले हम देखेंगे आइसोस्केलेस ट्राइंगल, उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे। तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होती है? नाम से ही पता लग रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसमें दो भुजाएं समान हो। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, नामकरण करते हैं इसका ए बी सी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ए बी और ए सी साइड बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, और तीसरी साइड मान लेते हैं ये बी है। तो यहाँ पर तीनों साइड हमारे पास आ गई हैं, ए ए और ये बी है। तो इसमें अगर हमें निकालना हो एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब यहाँ पर हमारे पास हाइट नहीं है, हाइट हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। हाइट क्या हो जाएगी? अगर मैं ए वर्टेक्स से सामने वाली साइड बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये हो जाएगी ए डी। इसको डी नाम दे देता हूं यहां पर। तो ये है परपेंडिकुलर। और जब मैंने ज्योमेट्री पढ़ाई तब बताया था कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल में एक ही लाइन पर तो बनती है एंगल बाइसेक्टर, उसी लाइन पर बनता है मीडियन, उसी लाइन पर बनता है परपेंडिकुलर। तो ए डी यहाँ पर परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा, और यहाँ पर ये मीडियन भी हो जाएगा। मीडियन यानी कि सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में बांटे। और ऐसा ही सेम इक्विलेटर ट्रायंगल में भी होता है। तो यहाँ पर ए डी ये परपेंडिकुलर भी है और मीडियन भी है। मीडियन है तो कंप्लीट साइड थी बी, इसने इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, b/2 और b/2। तो ये हो जाएगी हाइट इसकी। तो हमें यहाँ से हाइट निकालनी है। ट्राइंगल ए डी सी, इसको हम उठाते हैं, ए डी सी ये ट्राइंगल हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज कौन सी हो जाएगी? 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इसके सामने कौन सी है? ए सी, यानी कि ये है ए। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर, बेस कितना है? b/2, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पर है ये एच, तो इसका स्क्वायर। हमें यहाँ से एच निकालना है, तो एक काम करते हैं, b/2 को लेके जाएंगे हम लेफ्ट साइड, ए स्क्वेयर माइनस b/2 और इसका होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच का स्क्वेयर। हमें एच निकालना, दोनों साइड हम कर देंगे स्क्वेयर रूट, तो एच बराबर आ जाएगा स्क्वेयर रूट के अंदर ए स्क्वेयर माइनस b/2 का होल स्क्वेयर। ये आ जाएगा यहाँ से हाइट का फॉर्मूला। चाहो तो यहाँ पर आप अंदर एलसीएम बेस का ले सकते हो। अब इस हाइट को हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1/2 बेस, बेस कितना है इसमें? ये बी सी जो है ये बेस है कंप्लीट, यानी कि बी। तो ये हो जाएगा बेस, और हाइट कितनी है अभी निकाली थी हाइट हमने, रूट के अंदर है ए स्क्वेयर माइनस b/2 का होल स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एरिया का, इसको याद रखना। वैसे हम डायरेक्ट भी कर लेंगे, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो इस फॉर्मूले का यूज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट ट्रिपलेट से सोल्व करेंगे। तो ये तो हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला, इसको ध्यान से नोट कर लेना है। एक हो जाएगा यहाँ पर हमें पेरीमीटर निकालना हो, तो पेरीमीटर तो इजी है। पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। किसी भी फिगर का हमें पेरीमीटर निकालना हो तो लेंथ ऑफ बाउंड्री को जोड़ देंगे हम। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री कितना हो जाएगा पर ए ए और ये बी, तो ए प्लस में ए प्लस में बी, तीनों साइड का जोड़, तो 2a+b, ये हो जाएगा इसका परिमाप। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं की लंबाई 17 सेंटीमीटर व तीसरी असमान भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज है एक ए बी सी, तो दो भुजा समान है, मान लेते हैं ए बी है 17, तो ये भी 17 होगी, और जो असमान भुजा है वो दे रखे में 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें यहाँ से हाइट निकालनी होगी, तभी हम एरिया निकाल सकते हैं। तो हाइट है ये, यानी कि ए डी मान लेते हैं इसको, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। तो ए डी यहाँ पर ये हाइट है और ये मीडियन भी होगी, तो दो बराबर भागों में भी बांटेगी। ये 8 हो जाएगा डी सी और बी डी भी 8 हो जाएगा। अब यहाँ से ए डी सी को ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें हाइट निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करेंगे ना उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ से ट्रिपलेट लगा के सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से कुछ ट्रिपलेट लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट, पिछली वीडियो में भी सिखाई थी, एक बार फिर से नोट कर लेते हैं, रिविजन भी हो जाएगा। तो सबसे छोटी ट्रिपलेट होती है 3, 4, 5, उसके बाद आता है 5, 12, 13। ये कैसे बनती हैं? इसकी ट्रिक भी पिछली वीडियो में समझाई थी, तो वहां से समझ लेना। अगली हो जाएगी 7, 24, 25, फिर आती है 8,
आठ, 15, 17। जैसे 8 है तो 8 का हाफ करेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से एक माइनस करेंगे, 16 में एक ऐड करेंगे। फिर उसके बाद आएगा 9, 9, 40, 41। एक आ जाती है 12 वाली, 12, 12 का आधा 6, तो 35 और 37। और एक हो जाएगी 20, 21, 29। तो इनको याद रखना, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं। अब यहाँ से हाइट कितनी हो जाएगी, ये देखो 8 है और ये 17 है, तो ट्रिपलेट पड़ी थी 8, 15, 17। देखो ये रही 8, 15, 17, तो हाइट यहाँ से आ जाएगी डायरेक्ट 15। हमें क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल, तो एरिया निकालना है। एरिया होता है 1/2 बेस। बेस कितना है यहाँ पर कंप्लीट 16 है, हाइट कितनी है 15 है, तो उसको सोल्व कर लेंगे 8, 15, 8, 120। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ऑप्शन डी, 136। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं की लंबाई 37 सेंटीमीटर वह तीसरी असमान भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो समान भुजाओं की लंबाई है 37 सेंटीमीटर और असमान भुजा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, तो यहां से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे और ये परपेंडिकुलर भी होगी, तो ये 12 12 में डिवाइड हो जाएगी। ट्रिपलेट हमें याद है 12 35 37 होता है, यानी ये हाइट हो जाएगी 35 यहाँ से। अब एरिया निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है 24, हाइट कितनी आई है 35, दो से कैंसिल करेंगे 12, 12 पंजे 60, 6 12 तिया 36 और 6 42, तो 420 सेंटीमीटर स्क्वेयर इसका एरिया होगा, ऑप्शन सी, 137। एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, समान भुजा है वो है 41 सेंटीमीटर की और असमान भुजा है वो है 80 सेंटीमीटर की, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये मीडियन भी होगी, तो ये भी 40 होगी, ये भी 40 होगी। अब यहाँ से ट्रिपलेट लगाएंगे 40 और ये 41 है, तो एक ट्रिपलेट कौन सी होती है 9 वाली, 9, 40, 41, तो 1/2 बेस कितना है यहाँ पर 80, हाइट कितनी है यहाँ पर 9, दो से कैंसिल करेंगे 40 94 36, यानी कि 360 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ऑप्शन बी, 138। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं की लंबाई, जो समान भुजा है उसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और असमान भुजा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये हमारी मीडियन भी है, तो ये 6 6 में इसको डिवाइड कर देगी, अब ये एक ट्राइंगल बन जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्या होता है 6 8 10। एक ट्रिपिट हमें याद है 3 4 5, तो इसका दुगुना करेंगे तो 6 8 10, तो ये 6 है ये 10 है तो ये 8 होगी। अब एरिया निकालेंगे 1/2 बेस, बेस कितना है 12, हाइट कितनी आई है 8, इसको सोल्व कर लेते हैं 6 6 8 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ऑप्शन डी, 139। जो समान भुजा है उसकी लंबाई है 50 सेंटीमीटर, असमान भुजा है उसकी लंबाई है 96 सेंटीमीटर, यहां से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर भी है, तो इसको बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि 48 48। अब यहां से हाइट हमें निकालनी है, तो 48 और 50, तो एक ट्रिपिट हमें याद है ये हो जाएगा 24 और ये 25, यानी कि 7 24 25, ये ट्रिपिट अभी याद की थी, 7 का स्क्वायर 49, उसमें से एक माइनस करेंगे 48, उसका आधा 50, उसमें का आधा 25, तो ये कितनी आ जाएगी 7 का दुगुना 14, क्योंकि तो इसका दुगुना करेंगे तो 14 48 50, ये ट्रिपिट बन जाएगी। तो 1/2 बेस कितना है 96, हाइट कितनी है 14, दो से कैंसिल करेंगे 7 पर जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 का 42, इकाई अंक 2 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है 672। अब चलते हैं 140 पर, तो ये तो भाई इतने ही थे 139 तक। अब हम चलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, सम का मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसमें सारी भुजा समान हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ए बी सी, यहां पर तीनों ही भुजा समान हो, अगर ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए, तीनों की लंबाई यहां पर ए है, यहां पर हमें निकालना हो एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है रूट थ्री ए स्क्वेयर बाई फोर, और यहां पर हाइट का फॉर्मूला होता है रूट थ्री ए बाई टू, हाइट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। उसके बाद एरिया का निकालना, तो 1/2 बेस इंटू हाइट करके हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, तो
तो यहाँ से आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने, पैरामीटर निकालना हो तो 3a हो जाएगा, तीनों को हम ऐड करेंगे तो 3a हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हाइट का फॉर्मूला अभी बताया था कितना था, √3a/2। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ए यानी कि साइड कितनी है 8, 2 से डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 4√3, ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चन में तो पेन का यूज ही नहीं करना है। भुजा दे रखी है 10, क्या निकालना है हाइट, तो 2 से कैंसिल करेंगे, 5√3, ऑप्शन सी। देखो यहाँ पर अगर पुट करूं मैं √3, साइड कितनी है 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, 5√3, 142। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12√3 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हाइट का फॉर्मूला था √3a/2। हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूले को लिखना तभी ये याद होगा। तो 12√3 ये है भुजा, और मल्टीप्लाई में √3 डिवाइड में 2, 2 से कैंसिल करेंगे 6, और 6 × 3 = 18, ऑप्शन डी। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 17√3 सेंटीमीटर, ये है भुजा, मल्टीप्लाई में √3 और डिवाइड में 2, ये हो जाएगा हाइट का फॉर्मूला। 2 से कैंसिल होगा नहीं, √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3, तो 17 = 51, 51/2 यानी कि 25.5, ऑप्शन डी। 144। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हाइट हो जाएगी √3a/2, 12 से कैंसिल करेंगे 6√3, ऑप्शन सी। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना, एरिया का फॉर्मूला होता है √3a²/4। तो √3 साइड है यहाँ पर 12, उसका स्क्वेयर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड में 4, 4 से कैंसिल करेंगे 3, 12 × 36√3, ऑप्शन सी। 146। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 14 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो एरिया होता है √3a²/4, ए कितना है 14, तो 14 × 14 / 4, 4 से कैंसिल करेंगे ये जाएगा 7 पर, फिर 7 पर 2 बार, 2 2 से हमने इसको कैंसिल कर लिया है, तो 7 × 7 = 49√3, ऑप्शन बी। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो √3a² यानी कि 10 × 10 और डिवाइड में 4, 2 से कैंसिल करेंगे ये 5 पर, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 5 पर, तो 25√3, ऑप्शन बी। 148। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, √3a²/4, तो ए का स्क्वेयर यानी कि 16 × 16, 4 से डिवाइड, ये हो जाएगा 4, 16 × 64√3, ऑप्शन ए। 149। क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो √3a², साइड कितनी है 20, तो 20 × 20 डिवाइड में 4, 4 से कैंसिल करेंगे 5, 20 × 5 = 100, 100√3, ऑप्शन बी। 150। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 18 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो एरिया यानी कितना हो जाएगा √3a², ए कितना है 18, तो 18 × 18 डिवाइड में 4, 2 से कैंसिल कर लेते हैं 9, और फिर ये आएगा 9 = 81√3, ऑप्शन सी। एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर वह 13 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये तो है भाई स्केलन ट्रायंगल, यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज नहीं होगी, ये है विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों साइड अलग हैं। तो पहले हम विषमबाहु त्रिभुज को सीख लेते हैं, 152 और 151, इसको बाद में करेंगे, पहले स्केलन ट्रायंगल सीखते हैं। विषमबाहु त्रिभुज नाम से पता लग रहा है, जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो, ए बी सी, यहाँ पर तीनों ही साइड अलग होंगी। अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, अगर यहाँ पर हमें एरिया निकालना हो तो क्या होता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है हीरोंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम सभी ट्रायंगल्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए वहाँ पर हमें अलग जो फॉर्मूले हैं उनका यूज करेंगे, उसमें टाइम कम लगता है। हीरोंस फॉर्मूला क्या कहता है, √S(S-A)(S-B) S-C, ABC क्या है, यहाँ पर ये साइड है। अब यहाँ पर ये S क्या होता है, S यहाँ पर होता है सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर यानी कि देखो पेरीमीटर तो होता है परिमाप, और सेमी मतलब आधा, तो अर्ध परिमाप। परिमाप कितना होता है, तीनों साइड का जोड़ A+B+C, लेकिन हम क्या देख रहे हैं अर्ध परिमाप, तो इसका आधा कर देंगे, ये होता है S। अब S की वैल्यू यहाँ से निकालकर इसमें पुट कर देना, एरिया निकल कर आ जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा A+B+C। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, 151। तीनों साइड हमें दे रखी है, हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल। तो एरिया का फॉर्मूला कितना था, हीरोंस फॉर्मूला होता है S(S-A)(S-B)(S-C), तो सबसे पहले हमें S निकालना है। S कितना हो जाएगा, तीनों साइड का जोड़ प्लस डिवाइड में 2, तो ये हो जाएगा 12 और 5 = 17, 17 और 3 = 20 + 10 = 30, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, इसको यहां पर पुट कर देते हैं,
15 माइनस ए यानी कि पहली साइड, 15 में से 5 माइनस करेंगे 10, 15 में से 12 माइनस करेंगे 3, 15 में से 13 माइनस करेंगे 2। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं, 15 15 हो जाएगा 5 गुणा 3। अब यहाँ पर 3 दो बार है देखो, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही ये हो जाएगा 5 गुणा 10, 50 दूनी 100, 100 बाहर आएगा तो 10 कितना हो जाएगा, ये 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ऑप्शन डी 152। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एस निकाल लेते हैं, सेमी पैरामीटर, तो ये हो जाएगा 5 जमा 7 जमा 8 डिवाइड में 2, तो 8 और 7 15 5 20 बटा 2 यानी कि 10। अब एरिया निकालना है, फॉर्मूला क्या था, एस एस कितना है 10, एस माइनस ए, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, एस माइनस बी, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, एस माइनस सी, तो ये आ जाएगा 10 में से 8 माइनस करेंगे 2। अब देखिए ये हो जाएगा 10 गुणा 5, 50 50 गुणा 2, 50 दूनी 100, 100 का रूट होता है 10, अंदर बचेगा 3, तो 10√3, ऑप्शन बी। एक त्रिभुज की भुजाएं 12 15 व 19 सेंटीमीटर, एस निकालते हैं, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 5 14 और 2 16, से लगेगी 1 3 और 1 4 46 बटा 2, तो 23। एरिया निकालना है, फॉर्मूले में रख देते हैं इसको, एस एस कितना है 23, एस माइनस ए, तो 23 में से 12 माइनस करेंगे तो ये आएगा 11, और 23 में से 15 माइनस करेंगे तो ये आएगा 8, और 23 में से 19 माइनस करेंगे तो 4। अब 4 का रूट कितना होता है 2, और यहाँ पर 8 है, इसको भी हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2, इस 4 में से भी एक 2 बाहर आएगा, अंदर कितना बच जाएगा, ये 11, 23 दूनी 46 गुणा 11 बचेगा अंदर, 46 मल्टीप्लाई में 11, तो ये हो जाएगा 6, 6 और 4 10, 4 और 1 5, तो 4 और √506, ऑप्शन ए 154। एक त्रिभुज की भुजाएं 10 12 व 14 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल निकालना है, सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा, सेमी पैरामीटर हो जाएगा इनका सभी का जोड़, तो 10 20 30 36 का आधा 18, एरिया हमें निकालना है, रूट के अंदर एस एस है 18, एस माइनस ए कितना हो जाएगा 8, एस माइनस बी हो जाएगा 18 में से 12 माइनस करेंगे 6, 18 में से 14 माइनस करेंगे 4। अब 4 का रूट कितना होता है 2, 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2, 9 बाहर आएगा तो 3, अंदर बच जाएगा ये 8 गुणा 2 16, 16 का रूट होता है 4, और अंदर फिर रह जाएगा 6, तो √6। 2 गुणा 3 2 3 6 6 चौके 24, 24√6, ऑप्शन सी 155। एक त्रिभुज की भुजाएं 20 30 व 40 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकालना है, सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा 70 20 90 90 का आधा 45, एरिया निकालना है, एस एस कितना है 45, एस माइनस ए, तो 45 में से 20 माइनस करेंगे 25, एस माइनस बी, तो ये हो जाएगा 15, एस माइनस सी तो 5। अब 25 का रूट कितना होता है 5, और ये हो जाएगा 45, 45 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा में 5, 9 का रूट 3, अब 5 2 बार है तो 1 बार आ जाएगा, अंदर बचेगा 15, तो ये अंदर 15 ही रहेगा, 15 15 5 75, 75√15, ऑप्शन ए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।